चलिए सर करें स्टार्टिंग। देखो सामने देख लो एक बार, टॉपिक चल रहा है वर्ग और वर्गमूल। कौन सा टॉपिक है? वर्ग और वर्गमूल। कितनी टाइप हो गई इसमें? आठवीं लिखो, छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या होता है वो सुन लो। इसमें पूछा जाता है कि भाई दो अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, चार अंकों की, पांच अंकों की या छोटी से छोटी। एक मैं करके बता रहा हूँ, बाकी की याद करनी है कोई बड़ी बात नहीं है। पाँच संख्याएँ ज़्यादा से ज़्यादा पाँच अंकों की पूछता है। एक मैं करके बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन लिखो, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी ए 961, 981, 999, इनमें से कोई नहीं। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अब कौन सी होगी वो बताना है। अब इसका तरीका सुन लो, वास्तव में तरीका क्या है सॉल्व करने का। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाई इससे बड़ी तो कोई है नहीं। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999। अब हमें चाहिए तीन अंकों की बड़ी से बड़ी कैसी पूर्ण वर्ग, जिसका पूरा पूरा क्या निकलता हो, वर्गमूल। तो एक तरीका है, वो क्या है वो सुन लो। आप इस 999 का वर्गमूल निकालो, जोड़े बनाए, तनांतिया प्लस तीन, तीन और तीन छः, बचा क्या 99। क्या रखूं इसके पीछे, दो रख दूं, 60 दूनी 120 हो गए, ज़्यादा हो गए, क्या रखूंगा, एक, एक एक, एक एकम एक, छः 61 62 हो गए, इधर 8 और इधर कितना बचा सर, 3 38। क्या 38 में 62 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये क्या आ गया अपने पास, शेषफल। क्या आ गया, शेषफल। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए बड़ी से बड़ी, तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है तीन अंकों की, उसमें से शेषफल को माइनस कर देंगे। आया कितना, 961। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, ऐसी चार अंकों की निकालेंगे बड़ी से बड़ी 9999, वर्गमूल निकालेंगे, जो शेषफल बचेगा उसे माइनस कर देंगे। ऐसे ही पांच अंकों की, छह अंकों की, किसी की पूछ ले, यही तरीका है। अगर छोटी से छोटी पूछता तो सुन लो, एक प्रश्न लिखा, जैसे मैंने तीन अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वही तरीका है। बताओ तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100। अरे 100 ही तो होती है, 100 के बाद तो 99 दो अंकों की हो जाएगी। तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 100। अब क्या करूं सर, 100 का निकालो वर्गमूल।
कितना आएगा वैसे ही बताए, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो उत्तर आएगा 100। लेकिन अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा होता पूरा पूरा, तो जो भी शेषफल बचता उसको घटा देता, जो भी शेषफल बचता उसको घटा देता, बात खत्म, 3 अंकों की आ जाती। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बात करूं, सुनना मेरी बात, जैसे मैं बात करूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 1000। 1000 का निकालूंगा पहले वर्गमूल, जोड़े बने, जनाम किया प्लस 3, 3 और 3 6, 9 गया 100, 61, 61 आया, 62 हो गया, कितना बचा 61 गया तो 39। अब सुनिए सर, क्या 39 विभाजित है क्या, नहीं है। अब सुनो मेरी बात, 39 विभाजित है क्या, नहीं है, नहीं है। तो जब हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करना है, तो घटा देना है किसमें से, 1000 में से 39, 961 आ गया। लेकिन अगर हमें ज्ञात करनी है छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करूंगा, तो जो भी वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में प्लस 1 करके वर्ग कर दूंगा। वर्गमूल 31 प्लस 1 32, और 32 का वर्ग होता है 1024। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1024, जो पूर्णतः विभाजित है। क्लियर? तो या तो 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक, या तो छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी पूछी जाती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। क्लियर है? तरीका ये है। अब आपको क्या करना है, आपको इस मेथड से नहीं करने, आपको रट लेना है डायरेक्ट। एक सारणी बनवा रहा हूं मैं, देखो, छोटी से छोटी और यहां आ गई बड़ी से बड़ी, अगर मैं एक अंक की बात करूं तो एक अंक की छोटी से छोटी क्या है, 1, और बड़ी से बड़ी 9। अगर मैं 2 अंकों की बात करूं, छोटी से छोटी है 9 नाम 81, और बड़ी से बड़ी 100। 2 अंकों की छोटी छोटी 4 चौका 16, और बड़ी से बड़ी 81। 3 अंकों की बात करूं तो 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या है, 100, और बड़ी से बड़ी 961। अगर मैं बात करूं 4 अंकों की, छोटी से छोटी है 1024, और बड़ी से बड़ी है 9801। और यदि मैं बात करूं 5 अंकों की, छोटी से छोटी है 10000, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, और बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग है 99856। ठीक है, ये हो गई किसकी बात, अंकों की बात। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और ये ज्यादा से ज्यादा 5 अंक की पूछी जा सकती है, बस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं। तरीका क्या है, तरीका ये है, एक बार उतार लो, फिर मैं सारणी लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, नोट करो, एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं सारणी लिखवा देता हूँ।
कर लिया नोट, चलो आगे। डायरेक्ट सार नहीं लिख दूं। अच्छा, इसी में जोड़ और घटाव के प्रश्न भी बनते हैं, वो भी लिखा रहा हूँ, दो प्रश्न करके देखो। इसी में बनते हैं जोड़ने और घटाने वाले। कौन सा? चार अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? चार अंकों की निकालनी है, ऐसे करेंगे सॉल्व। लिख लो जल्दी से। नोट कर लिया। नोट कर लिया होगा एक तो, सारणी उतारो और फिर लिखो क्वेश्चन। लिया। इसी में बनते हैं जोड़ और घटाव वाले प्रश्न। लिखो क्वेश्चन। देखो, 1152 में क्या जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए।
1154 में क्या, 52 में, 1152 में क्या जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन है 2 4 6 8, 2 4 6 8। बताऊं सर करके, एक मैं करा देता हूं फिर आप लोग कर लेना। देखो अगर कोई प्रश्न आए ऐसा कि 1154 में क्या जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने और घटाने वाले प्रश्न आए, तो आपको सबसे पहले निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। अगर जोड़ने की कह रहा है तो उससे ठीक बड़ी संख्या का वर्गमूल ले लो, घटाने की कह रहा है ठीक छोटी का ले लो। कैसे? देखो 1152 का निकाला मैंने वर्गमूल, तो नाम दिया 9 52, चार बार ले लूं, चार चौका 16, 6 8 1, चार ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा हो गया, तीन बार लेता हूं, 9 3 9, 6 3 18, 12 12 में से 9 गए तो, 4 14 14 में से 8 गए तो, और यहाँ बचा कितना, 66। तो इसका मतलब ये क्या है? शेषफल है भाई, 66 से 63 में तो भाग नहीं जाएगा, ये आ गया शेषफल। अब हमें करना क्या है वो सुनो, हमसे कह रहा है इसमें क्या जोड़ू, मैं जोड़ना है ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर पूछता क्या घटाऊं तो कितना घटा था? 63। अगर कहता क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो क्या घटा था बताओ? 63 घटा देता, पूर्ण वर्ग बन जाता। लेकिन वो कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो याद रखना इससे ठीक अगली संख्या का वर्ग निकाल देना। कैसे? कितने का वर्ग है यहाँ? 33 का, प्लस 1 कर दो, कितना आया? 34 का वर्ग निकालो एक बार, 4 चौका 16, तनाम दिया 9 4 3 12 दूनी, 6 5 9 2 11, क्या आ गया? 1156। ये कितना है? 1152। क्या जोड़ा जाए? 4। ठीक है, ठीक अगली संख्या का वर्ग निकाल दिया करो। निकाला इसका वर्ग 34 का, क्या आया? 1156 आया। अब देखो जोड़ा क्या जाए, 1156 पूर्ण वर्ग है, ये है 1152, तो क्या जोड़ा जाएगा? 4 जोड़ा जाएगा। अगर जोड़ने की पूछे तो 4 जोड़ा जाएगा। बात आती क्या घटाया जाए, तो शेषफल को घटा दो, 63 घटाया जाए। क्लियर? एक और सवाल करके बताओ। हाँ, जो भी वर्ग मूला है उसमें प्लस 1 करके वर्ग कर दो और देख लो कितने का अंतर आ रहा है, उतना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक और बोलूं,
चले आगे, उतार लो जल्दी। देखो 3856 में से क्या घटाया जाए, घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन ए 10, 12, 14, इनमें से कोई नहीं। 3856 में से क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन आपके आ गए 10, 12, 14, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा कितना? चलिए सर बताइए जल्दी से। याद है शेषफल जो बचेगा वही घटाना है। शेषफल क्या बच रहा है? जितना बच रहा है वो घटाना है। शुरू करें। क्या आएगा भाई? बिल्कुल सही है, जिनका 12 आ रहा है, जिनका उत्तर 12 आ रहा है बिल्कुल सही है। करना क्या है देखो, 3856 में से क्या घटाया जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या घटाऊंगा? पहले निकालो रूट, बोलो 6 कितना बचा? 2, उतार लिया। कितनी बार भाग दूं? 2 बार, 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम + 2, 124। यहाँ कितना बचा? 12 है। अब ये क्या आया? अगर मैं ये शेषफल इसमें से घटा दूं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसका वर्ग? 62 का वर्ग। तो देखना संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी 3856 - 12 बराबर 3844। किसका वर्ग है ये? 62 का वर्ग है। तो क्या घटाया जाएगा? 12 घटाना पड़ेगा। क्लियर? एक सवाल और लिखो लास्ट, फिर चलते हैं आगे। AD 5732 मैं कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए
ताकि प्राप्त योगफल ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चौवन चौसठ चौवालीस इनमें से कोई नहीं। बधाई क्या आएगा? बहुत अच्छे। सत्तावन सौ बत्तीस में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए क्या आएगा? देखिए, सत्तावन सौ बत्तीस में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? देख लो एक बार। सबसे पहले लूँगा इसका वर्गमूल, दो दो के जोड़े, छचंग छत्तीस, सात सात उनचास, आठू आठू ज़्यादा हो गया, सबा सात सात 49 गया तो 8, 8 बचा, उतार लिया, क्या रखूँ 14 के पीछे? 14 पन 70, सही है, 5 रखते हैं, पचम 25, 5 हासिल लो, 5 चौका 20 और 2 22 का 2 हासिल लो, 5 एकम 5 और 2 7, क्या बचा? एक सौ सात बच रहा है क्या? अरे 107 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। अब सुनिए, छोटी से छोटी क्या घटाई जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? जोड़नी है क्या? तो जोड़नी है तो प्लस वन करूं, 75 और 1 और 76 का वर्ग, छछंगा 36, सात सात 49, छः सत्ते 42 और 42 दूनी 6, 7, 57, 76, 57, 76 हो जाएगी। तो क्या जोड़ूंगा मैं इसमें? माइनस कर दो, 57, 32 बराबर 44 जोड़ना पड़ेगा भाई। 57, 76 करनी है मुझे, क्या जोड़ूं? 44 जोड़ दूं इसमें, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो होगी 57, 76।
पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, 44 जोड़ दो। बताइए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे लिखो विविध वर्गमूल की। कल स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल। घन और घनमूल पढ़ने के बाद फिर घन और घनमूल और वर्ग वर्गमूल के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? मिक्स, वो उसी में कर लेंगे घन घनमूल में, है ना। यहाँ आप डालो विविध, कितनी टाइप हो गई। आठ हो गई। लिखो पहला क्वेश्चन। मान होगा ऑप्शन 16, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। अब सुनिए बच्चा, ऐसा कोई सवाल आए ना उसे हमेशा हल करते हैं पीछे से, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 10,000 पे क्या लग रहा है? वर्गमूल। अगर मैं इसको अलग हटाऊं तो यही तो है, 10,000 पे वर्गमूल। हल करो इसे, क्या आएगा? 2 0 का 1 0 और 100 का रूट 10। 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? 100। आगे बढ़ते चलो, प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस हो तो माइनस कर देना। प्लस है तो 100 और 44 144 का रूट 12, 12 और 4 16 और 16 का रूट। कोई ऐसा इसकी समझ में नहीं आया हो? 10,000 का रूट 100, 100 और 44 144 का रूट 12, 12 और 4 16, 16 का रूट 4 आ गया उत्तर। नोट करो, अगला लिखो। चले आगे, लिखो 510 344
क्या आएगा बोलो? 289 का रूट क्या होता है? अरे इसका रूट 17 और 34, 300 और 361 का रूट 19 को इसमें जोड़ो और 529 का रूट 3. कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और लिखो, विविध में ही कुछ भिन्नात्मक सवाल लिख दो। देखो जीरो पॉइंट 0576 पे रूट गुणा बताइए सर क्या आएगा आंसर तीसरे क्वेश्चन का? जी 2.6 सही है। देखो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इजी वे के सवाल है, आसान आसान। चलो कर लिया क्या? देखो मैं करके बताऊं, पहली बात ध्यान रखना गणित में, लाला सभी सुन लो, गणित में सवाल को देख के डरना मत, क्योंकि गणित का सवाल आपको डराएगा, आपको रुलाएगा, लेकिन अगर आप उसको कर गए तो आपको हंसाएगा भी, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, बड़ा आसान है। देखो सुनो, 576 का रूट, अरे 576 का रूट 24, क्या इसको लिख दूं मैं 0.24? अरे 0.24 आगो ना आया हो, अरे वर्ग पॉइंटन के वर्गमूल सिखाए, हाँ या ना? या को वर्गमूल 24, दो और दो चार अंक है, चार अंक बाद पॉइंट है तो दो अंक बाद पॉइंट आगो, गुणा या को रूट 13 और दो अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट, बटे या को रूट 12 और दो अंक बाद पॉइंट है तो या को पॉइंट। अब देखो पॉइंट ते पॉइंट कैंसिल, भाई दो अंक पहले आओ, दो अंक पहले आओ, बराबर हो कटको, 12 दूनी 13 दूनी 2.76 आगो, बात खत्म। अगले का आंसर शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, हु इज दिस? गुड, देखियो एक बार, इधर देखो
लाला 324 को रूट बताइयो भैया, 18 और 49 को, 676 को और 69 को और 81 को, बोलो 13 दूनी, बोलो 9 दूनी, 7 ते ना कटरो गई, कितनी बार 7 एकम 7 बचो कितनो 5, 7 2 8 2 क्या बचा, 2 × 2 × 18 18 2 36 2 बात खत्म। एक और दे दूं, एक और सवाल लिखो ऐसा ही, पांचवा क्वेश्चन 2.25 रूट गुना 2.89 पे रूट बटे 2.25 पे रूट, सॉरी 2.55, खाली 2.55 है, रूट वूट ना है, बस करो सॉल्व। एक सही है, क्या आएगा सर बताओ, 225 का रूट 15, 289 का गुणा करना, 1 आ गया, इनका गुणा किया 2.55, नीचे 2.55 बटे में रख दिया, 1 आ गया, 676 को रूट, वह तरीका थे 576 को, ये क्या वो पतो है, ऐसे छोटे छोटे बगल ने जानू, मैं कोई नई बात ना है मेरे का जाए, बाकी मैं तो यहाँ छोड़ दूँ, बच्चा खुद करेंगे सीखेंगे, ना करेंगे तो बैठे रहेंगे। चलिए सर आगे चलें क्या, चलो देखो अगला सवाल, चलो एक सवाल लिख लो बच्चा, फिर और आगे चलेंगे। देखो 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का स्क्वायर 0.021 का स्क्वायर 0.0065 का स्क्वायर
का रूट का मान होगा? करो क्या आएगा उत्तर? दस की पावर 500, तो बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा? दस जी, अरे कितना सरल सा सवाल है, इसमें इतना टाइम लग रहा है। देखो, ऊपर वालों का वर्ग नीचे वालों का वर्ग संख्या एक जैसी है ना, बढ़ क्या रहा है? नीचे वाली प्रत्येक संख्या में एक संख्या पहले पॉइंट और बढ़ गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब बटे में 10 और बढ़ गया है, सबके बटे में 10 बढ़ गया है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.03 के स्क्वायर अपॉन 10। एक पॉइंट हटाया मैंने, एक पॉइंट कम कर दिया। ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर करने के लिए इस पॉइंट को मैं यहां ले आया, तो बटे में क्या जाएगा? 10 जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, 10 पे भी स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, पूरे पे स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है? ऐसे इसको लिख दूंगा 0.21 बटे 10 का स्क्वायर, और इसको भी लिख सकता हूं मैं 0.065 बटे 10 का स्क्वायर पर रूट, यही है ना? अगर समझदार आदमी है तो इतना लिखेगा भी नहीं, वो यहीं पहुंचेगा डायरेक्ट। क्या 0.03 का स्क्वायर, 0.21 का स्क्वायर, 0.065 का स्क्वायर बटे। अब देखो, अगर मैं ऊपर वाला स्क्वायर में छोड़ दूं तो ये कट जाएंगे ऊपर नीचे। अगर स्क्वायर में ही रहने दूं मैं इनको, ऊपर वालों को ये वाले वैल्यू, तो कट जाएंगे। नीचे वाले को स्क्वायर से बाहर निकाल लेता हूं मैं। निकाल लो, क्या आएगा? 100 क्लियर, इसका रूट
किया, ये खत्म। क्या बचा? एक बटे सौ पे रूट भाई, इससे एक से एक कैंसिल भाई, 0.3 बन जा, तीन एक ही एक बचेगा, एक बटे सौ का रूट, सौ गया ऊपर गुणा में, क्या हो जाएगा? तो सौ पे रूट, और सौ पे रूट कितना आएगा? दस। आप चाहते से और सॉर्ट कर सकते थे वहीं की वहीं। कैसे? देखो, जब ये सवाल यहां था, आप यहीं काटना शुरू कर देते डायरेक्ट, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बटे में क्या बच रहा है? पॉइंट एक अंक पहले है ना, तो एक अंक पहले का मतलब है यहां बचेगा जीरो। देखो, पॉइंट हटेगा तो बटे में दस, ऊपर वाले का एक, और यहां पे आएगा एक बटे दस का स्क्वायर, यही आएगा, और इस पे क्या लग जाएगा? रूट। रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक बटे दस, दस का गुणा ऊपर हो गया, दस बटे एक बराबर दस आंसर आ गया। इतना भी नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए ना कि 0.6 है और 0.06 है। अब यहां से एक अंक बाद पॉइंट हटेगा तो यहां आ जाएगा यहां, और इसको सॉल्व करूंगा, सिक्स बटे दस आएगा। ये बात की जानकारी होनी चाहिए पहले आपको। तो पूरा लिखना है या उतना ही लिखा दूं, बस ये मिटा दूं? पूरा तो ऐसे सॉल्व होगा विधिवत तरीके से, ऊपर से पॉइंट हटेंगे, नीचे जीरो बढ़ेंगी। अरे मैं किसी संख्या को हल करता हूं, मान लो ये लिख रहा है 0.8, इसका मतलब क्या है? 8 बटे 10, यही तो है। अगर यहां लिख रहा है 0.12 बटे 0.012, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तो है 12 बटे कितना 100, और ये कितना है? 12 बटे 1000, कितना है? 12 बटे 1000। अब सुना, इसे सॉल्व करूं मैं, नीचे वाले गुणा ऊपर से इसका, इससे यही तो आएगा, 1000 का गुणा 12 से, बाह्य बलों गुणनफल, अंत्य बलों गुणनफल 12 गुणा 100, 12 से 12 गया 0000, क्या बचा? यही तो बच रहा है, पूरा सवाल ऐसा ही तो है। जैसे हमने एक संख्या को सॉल्व किया, ऐसे ही तो है पूरा सवाल, बस तो फिर और करना क्या था उसमें। ठीक है, आप चाहो ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो देखो, सीधा ऐसे लिख दो डायरेक्ट। इसके बाद ऊपर आएगा एक, बटे में आएगा एक बटे दस पे रूट, और यहां आएगा स्क्वायर में। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो एक है वो हो जाएगा एक बटे एक बटे दस पे रूट। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे, दस ऊपर ये यहां पर, और दस का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपस में गुणा करना, दस गुणा एक बटे एक गुणा एक, दस बटे एक बराबर दस, उतारो ऐसे डायरेक्ट, लफड़ा खत्म। ऊपर बचेगा एक बटे एक, नीचे आएगा एक बटे दस, एक बटे दस, स्क्वायर से रूट खत्म, गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर, लास्ट सवाल लिखो और फिर विदा लेते हैं हम इस टॉपिक से। कितने सवाल हो गए? छह हो गए, सातवां लिखो, 4x² + 8x में, 4x² + 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए?
ताकि परिणामी पूर्ण वर्ग बन जाए। 4x² + 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी पूर्ण भिन्न पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल है आपके किसके लिए? HW, घर से घर के लाना। मेरी तरफ से वर्ग और वर्गमूल यहाँ होते हैं समाप्त। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे घन और घनमूल। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ठीक है।